हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, सनी देओल की एक फिल्म आई थी दामिनी, जिसमें सनी देओल का एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय नहीं मिलता माय लॉर्ड, मिलती है तो बस तारीख। तो देखिए दोस्तों, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स एंड ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है, इसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मनीष भारद्वाज और मैं इस वीडियो में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो सब आपको कराने वाला हूं इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट डेट्स, ये देखिए, ये 10 इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहां लिख देते हैं कि हम ये कौन से करने वाले हैं, मतलब कौन से चैप्टर का करने वाले हैं। वो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो चैप्टर है हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम इंपॉर्टेंट डेट्स करने वाले हैं। तो देखिए, पहली जो डेट आ रही है वो आ रही है 1757, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें हुआ था 1757 में। प्लासी दोस्तों एक जगह है बंगाल में, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था और बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों ने जीत लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत गई थी और इसी के साथ भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। दूसरी डेट करते हैं, वो है 1793। देखिए 1793, जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, ये देखिए दोस्तों, जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, भारत की इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये सिस्टम लेके आए थे। अंग्रेज ये सिस्टम लेके आए थे। इस सिस्टम के अंदर किसान और ब्रिटिशर्स के बीच एक मिडिलमैन जमींदार को नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है जी, ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे ये देखिए 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे भारत में हुआ है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी थी, रेलवे का जो है भारत में स्टार्ट हो गई थी। और जो पहली ट्रेन भारत में चली थी वो देखिए 1853 में, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, पहली ट्रेन भारत में चली थी 1853 में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए आगे 1869 को ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वेज कैनाल ने फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स की बहुत मदद की थी। स्वेज कैनाल इजिप्ट के रास्ते से जाती थी और इसने काफी सारी लंबी दूरी को छोटा कर दिया था ब्रिटिशर्स के लिए। उसके बाद आता है आपका 1881, यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया, जी दोस्तों अंग्रेजों ने ही कराई थी भारत के अंदर, पहली ऑफिशियल सेंसस अंग्रेजों ने कराई थी, 1881 में कराई थी। उसके बाद हर 10 साल में भारत में सेंसस कराने का काम होता रहा है। और अभी आता है 1907, इसमें आई थी सेटिंग अप ऑफ टिस्को, टिस्को की स्थापना इसमें की गई थी। टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को की स्थापना हम यहाँ पे देख सकते हैं हुई थी। कुछ ज्यादा हम ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये टिस्को थोड़ा सा ये देखिए, ये हम अब आगे चलते हैं 1921, ये देखिए 1921 में द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसे ये पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से इसको बोला गया है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसमें ये हुआ था कि 1921 से पहले की जो भारत की पॉपुलेशन थी वो कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद ये देखा गया कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसको इस ईयर को बोला गया है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया कर दिया था और जिसे अब कुछ सालों पहले ही टाटा ने दोबारा से खरीद लिया है। और 1947, सब जानते हैं, भारत में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत जो है वो आजाद हुआ था अंग्रेजों के हाथ से, ये हम अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ था, ये हम कह सकते हैं ये हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, ये देखिए सम फैक्ट्स
फैक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर अगर इसकी बात करें तो दादा भाई नरोजी इनको फादर ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट वन, सबसे पहले इन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया था भारत के अंदर इस ईयर में 1867 टू 68 में किया था। लेकिन सबसे अच्छी, मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड, ये देखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये VKRV राव ने किया था। सबसे अच्छा मेथड इन्हीं का माना जाता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जमींदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने किया था 1793 में भारत के अंदर, और जिसने भारत के एग्रीकल्चर की कमर तोड़ दी थी, भारत के एग्रीकल्चर को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। पहली ट्रेन भारत में कब चली थी, देखिए जी, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू ठाणे के बीच में। ये एक फैक्ट है। भारत में पोस्टल सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स लेके आए 1839 में। ये डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और ये जो पोस्ट ऑफिस की स्थापना ये अंग्रेजों ने कराई थी 1837 में। और बंगाल फेमाइन, ये सिक्स्थ पॉइंट है, बंगाल का जो फेमाइन आया था, बंगाल का बड़ा इनफेमस 1943 में आया था, 30 लाख लोगों की जान इसमें चली गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के बारे में। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।